हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आज तारीख है 29 सितंबर और दिन है बुधवार का, और ये क्लिप सुबह की है, 7 सवा 7 के बीच की। तो यहाँ माँ जी करेगी पीछना, और ये देखिए एक छिपकली के पीछे लगा हुआ है, और छिपकली अभी इस छाज के नीचे छुप गई है, लेकिन एंड तक देखिए ये उसको पकड़ने के बाद ही ले जाएगा, और सीधे की सीधी निगल गए तुरंत ही। तो क्या करे, जीव जीव का दुश्मन हो रहा है। यही समस्या हम इंसानों की भी है, इनकी भी है, सभी की हो रही है। पता नहीं क्या, जो बोलते हैं ना कलयुग, वो कलयुग है पक्का, क्योंकि जीव जीव को छोड़ नहीं रहा है। देखिए उसके लिए बैठा है, और ये इसने खा लिया और अब ये जाएगा। चलिए लगते हैं अब अपने काम पे। देखिए ये है घर की ताजा मिर्च, अभी तोड़ी है। 4 मिर्च, 5 5 है ये, मैंने ले लिया। इनको कट कर देती हूँ, और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन, 2 चम्मच। अच्छी थोड़ा सा हींग, क्योंकि चावल है बासी बचे हुए रात के, तो हींग बहुत जरूरी है। तो इसमें डाल दिए हींग, और हींग डालने के बाद हम डालते हैं इसमें अजवाइन। देखिए और ये डब्बे अभी लेके आई थी, ये बहुत सॉलिड डब्बी। थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, हल्दी हमने पहले ही, क्योंकि ये रात को छोक दिए थे। सफेद हो आपके पास तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, और इसमें प्याज डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्याज अभी नहीं है, तो मैं डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसको हाथों से करेंगे ऐसे मैश। देखिए थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे अभी। ये क्यों पानी दी भाई? थोड़ा सा लगभग छोटी 2 3 चम्मच ही ऐड करें, ताकि अच्छे से मिलाएं। रख दें। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी है। एक एक करके सारे डाल देंगे इसी तरह से। और ये इधर बन रही है चाय, ये देखिए, और ये पकौड़ी। तो अभी खाएंगे पकौड़ी और पियेंगे चाय। आप सब भी आ जाइए सुबह के नाश्ते में, बचे हुए सामान को भी लेडीज खराब नहीं जाने देती घर में। ये देखिए इतनी क्रिस्पी बनी है, छोटी छोटी बनाई है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इसी तरह और बचे हुए चावल को ऐड कर डाल देंगे कढ़ाई में। ये देखिए पकौड़ी बन चुकी है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बहुत टेस्टी बनी है। और ये चाय, और ये मुँह बैठा है, और ये खा रही पकौड़ी। और टाइम हो गया है 9:15 होने वाले हैं, और धूप अच्छी खासी तेज है। तो अभी खाते हैं पकौड़ी और फिर चलते हैं खेत में। और खेत से आने के बाद मैंने लगाया पोचा, और छोटा मोटा घर में बहुत काम होता है तो वो किया। उसके बाद खाने की तैयारी, तो बिल्कुल सिंपल, लहसुन साबुत लाल मिर्च सूखी हुई, और इसमें डाल लिया दही नमक, और इसकी बनेगी चटनी। तो
मिक्सी की चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी सिलबट्टे पे बनाई हुई लगती है। तो अभी बना रही हूँ चटनी, जिस जिसको लूनी घी चटनी गर्मा गर्म रोटी दही छाए खाना है वो सभी आ जाएं। ये देखिए बनती तो ये है, कई देर में है। इधर योगी कुछ पूछ रही थी तो मैं उससे बातें करने लग गई। और ये स्टैंड भाई मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि सभी डिब्बे आसानी से इसमें आ जाते हैं और इसके नीचे है तो ज़्यादा गंदे भी नहीं होते क्योंकि जो छींटे वगैरह लगनी होती है वो गैस के ऊपर हो जाता है, धुआं वगैरह पराठे का जो भी निकलता है ये सेफ बच जाते हैं। और ये बंटा आप देख रहे हैं, ये बंटा भरकर मैं रखती हूँ फ्रीज में और चटनी मेरी बन चुकी है क्योंकि सुबह दूध बिलोते समय यह एक बंटा पानी लग जाता है। और इस देगची में रखी हुई है हमारी लस्सी, तो इस लस्सी को भी फ्रीज में रख देंगे। और एक टिप्पण रखा था दही, क्योंकि दही हेमू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी इस चटनी को निकाल देती हूँ एक कटोरी में। और अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि भाई बताओ रोटी अभी बनाऊँ या नहा के, तो इनकी डिमांड है कि पहले नहा लो उसके बाद अभी नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह में पकौड़ी खा ली थी। तो चलिए नहा के मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। तो टाइम 1:15 हो गए हैं, अभी मैं आई हूँ नहा के और अब बनाऊंगी रोटी। और क्या बनाया है ये क्लिप मैंने ऐड कर दी है, आप देखिए। और हेमू योगी देख रहे हैं टीवी। और रोज़ मैं वीडियो का एंड रात को ही करती हूँ, पूरा दिन का जो कुछ भी होता है वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो आज मैंने सोचा एंड तक कोई वीडियो नहीं देखता है तो अभी 2 मिनट करते हैं बातें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा एक दूसरा चैनल है बाबा मोहनदास भजन मंडली, प्लीज़ उस पर भी जाएं, सपोर्ट करें। आप लोगों के इस वाले चैनल पे जो है खुशिया फैमिली ब्लॉग, इस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सभी। अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें और उस पर भी जाएं, उसको भी सब्सक्राइब करें तो हम भी उस चैनल से आप सबको सपोर्ट करेंगे पूरा। तो अभी बनाते हैं रोटी और उस पर ज़रूर जाएं। जो कुछ भी आप सुनना पसंद करोगे वहीं उस पर अपलोड कर देंगे। और अभी हमारी पता नहीं आज तो भजन मंडली आएगी या नहीं, तो पहले तो बच्चों को दे देते हैं खाना बना के। और अभी मैं काटूंगी एक खीरा, रोटी बनानी है। योगी बोल रही थी रायते के लिए, तो वो जाएगी तो अपना बूंदी दही में छाए में किसी में भी डाल लेगी, उसका मन करेगा वही। तो मैं चली गई थी खेत में भैंसों के लिए चारा लाने के लिए, थोड़ा सा लेके आए हैं। और जो रूटीन जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और योगी 1:15 हो रही है, अभी तक नहाई नहीं है देखिए जी। और हेमांक नहा चुका है और ये ऐसे ही बैठी है। सुबह से मैंने इसको 4 बार बोल लिया है नहा ले नहा ले, पर कोई असर नहीं है आजकल के बच्चों पर, ठीक है ना। वैसे योगी तो बहुत समझदार बच्ची है लेकिन छुट्टी है कभी कभी, कोई बात नहीं बच्ची है। तो चलिए बना देते हैं खाना। योगी पहले नहाणो खाणो नहाण, तो ये पहले नहा के आएगी उसके बाद खाना खाएगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। अगर आज हमारी भजन मंडली आएगी तो आप सबको मिलवाएंगे, जो कैमरे के सामने आना चाहता है उन सबसे और जो नहीं आना चाहता।
देखो जबरदस्ती नहीं हो सकती किसी के साथ भी। अगर भजन मंडली आएगी आज तो जरूर मिलवाएंगे, वरना फिर कभी कल परसों में जब भी गाएंगे तब मिलवाएंगे आप लोगों से। चलिए बनाते हैं खाना। तो ये मैं इसकी चुन्नी आपको दिखा रही हूँ, चुन्नी इसकी बहुत प्यारी है। और इसके चार लटकन थी वो इसकी टूट गई है, और ये इस पे कढ़ाई है। नजदीक से मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इसमें ये जो मोती है सूट जैसे रंग के ही है, और रेड कलर से इसमें कढ़ाई है, सेम सूट जैसे कलर से भी है देखिए। और ये इधर सिलाई है, ये देखिए टाइम 8:20 हो गए हैं। और योगी का बैग यही है, रोटी सबने खा ली है, अभी दूध पी रही थी, दूध भी उसने पी लिया है। ये देखिए थोड़ा जूम करके मैं दिखा देती हूँ, और हेमू का पैर आ रहा है, सोफे पे बैठा हुआ है, और नीचे बैठी है योगी गदड़ी बिछा के। तो मैं बैठी थी बाहर, रोटी खा ली है, और ये पंखा चलाया हुआ है यहाँ भैंसों के पास, कपड़े धुल दिए हैं ये देखिए। तो अभी खाना पीना सबका हो गया, थोड़े से बर्तन बाकी हैं, मैं बर्तन धोऊंगी। दूध में जामुन मैंने लगा दिया है, तो एक मिनट फ्रंट का कैमरा करके तब आप लोगों से बात करती हूँ। तो अभी काम लगभग सारा निपट चुका है, बस मुझे धोने हैं बर्तन और फिर नहाना है, और सारा काम हो चुका है। योगी भी नहाने के लिए बोल रही थी, तो पानी का देख से मैंने हारी पे रखा हुआ है। और आज हम भजन मंडली में कौन कौन रहते हैं, आस पड़ोस के हैं, सभी बहनें बहुत साथ सपोर्ट दे रही हैं, तो प्लीज़ आप भी देखिए और दीजिए। तो मैंने उनके नाम आपको बता दिए हैं, यहीं बैठे थे तभी सभी के, तो धीरे धीरे जान पहचान आपकी सभी से हो जाएगी। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे तो धीरे धीरे चैनल ग्रो करने लगेगा, तो सभी से अच्छे से जान पहचान आप सबकी होगी। तो खाना पीना सब हो गया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं था आज खाने में, बिल्कुल देसी खाना, चटनी रोटी और दूध। दोपहर में योगी ने कहा सब्जी मैं नहीं खाऊंगी, भिंडी रखी हुई थी लेकिन इसने नहीं बनवाई, क्योंकि जो अलूना घी बोलते हैं उसके साथ गरम गरम रोटी इसने खा ली थी। और बाद में देखिए इसने अपना रायता भी बनाया, इसने अपना रायता बना के भी खाया। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी मैं अभी शाम के टाइम में चटनी दूध रोटी खा लिया है, सुबह के टाइम में योगी के लिए बनेगी भिंडी, और अभी देखते हैं सुबह दोपहर के लिए शायद मैं छोले भी धो दूँ। अब 2-3 दिन हो गए करते करते, छोले बनेंगे, लेकिन शाम को बस जैसे ही काम निपटता है भूल जाते हैं। एक दो बार योगी से कहा मैंने कि छोले भिगो दे, हाँ भिगोंगी, लेकिन भूल जाते हैं। तो अभी मैं याद करके पहले भिगोंगी छोले, उसके बाद और कोई काम करेंगे, बर्तन बाकी बर्तन धोऊंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, यह समस्या जो छोटे यूट्यूबर हैं जितने भी सभी के साथ हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हमने सबको सब्सक्राइब किया है जो हमसे जुड़े हैं, और हमने एक भी बंदे को, एक सिंगल बंदे को भी अनसब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे हम एक दूसरे की, पूरा देखेंगे तभी वो स्टाइल मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी अनसब्सक्राइब ना करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। तो ज़्यादा कुछ आज की वीडियो में है नहीं, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें सपोर्ट करें, और दूसरे चैनल पर भी जाएं, बाबा मोहनदास भजन मंडली के नाम से मेरा चैनल है, उस पर भी अपना सहयोग दें। तो ये है
एक दूसरे का सहारा बने, किसी को भी अनसब्सक्राइब ना करे करने के बाद। तो इस वीडियो का करते हैं एंड। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।